राजस्थान के अलवर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने बहू से अवैध संबंधों के चलते अपने बेटे को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। दरअसल कारोबारी पिता अपनी बहू से मिलने रात को आया था। इस दौरान बेटे ने पिता को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस बात से युवक काफी नाराज हो गया और गुस्से में आकर अपने कमरे में चला गया। बेटे की इस हरकत से ससुर और बहू डर गए। फिर दोनों बेटे का पीछा करते हुए उसके कमरे में पहुंचे, जिसके बाद ससुर और बहू ने मिलकर रस्सी से युवक का गला दबाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल अलवर जिले के बहरोड में 3 दिन पहले हुई व्यापारी की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि बहू और ससुर को बेटे ने संदिग्ध हालत में देख लिया था, इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। एडिशनल SP निमराना विपिन कुमार ने बताया कि मृतक विक्रम सिंह के पिता और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। मृतक द्वारा अपने पिता और पत्नी को संदिग्ध हालत में देख लेने के बाद दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ASP विपिन कुमार ने बताया कि 5 मार्च को विक्रम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने के बाद सो गया था। सुबह पत्नी ने अपने पति विक्रम सिंह को बेड से नीचे गिरा दिया और चिल्लाने लगी। इसके बाद मृतक के पिता बलवंत सिंह और अन्य परिवार के लोगों ने विक्रम को बेड से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजन उसका गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही एक फोन कॉल ने सारा राज खोल दिया। एडिशनल SP ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो रिपोर्ट में गले में चुन्नी के निशान और सिर में चोट के निशान पाए गए। मृतक की पत्नी पूजा से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। दरअसल बलवंत सिंह की पत्नी की 2020 में मौत हो गई थी। इसके बाद उसके बहू से अवैध संबंध बन गए। मामला खुलने के डर से बलवंत सिंह और बहू पूजा ने विक्रम सिंह का चुन्नी से गला घोट दिया और आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से उसे लटका दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और उसके पति दोनों को साथ में देख लिया था पत्नी को। इसके बाद में पत्नी की पति जो विक्रम था उसकी इन दोनों ने मिलकर एक रस्सी से और चुन्नी से गला घोटा, उसकी मृत्यु कर दी।